दोस्त, मैं आज इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल का 24 वोल्ट 12 एम्पेयर का बैटरी लिथियम फॉस्फेट का कैसे परफेक्ट बनेगी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका अभी इंटरनल रेसिस्टेंस चेक करना है, और इंटरनल रेसिस्टेंस चेक करने के बाद कैसे उसका मिला जाए, ठीक है, तो वो आपको दिखाऊंगा। और एक बात है, मानो तो आप ओनली 16 पीस आप सेल परचेस किया है, तो ये 16 सेल में आप मैचिंग करके कैसे आप अच्छे पैक बनेगी वो मैं दिखाऊंगा। और कैसे होती है आप देख लीजिए। पहले इसका यार इस तरह का टेस्ट करना है, आप देखिए इस तरह का टेस्ट करना है, आप देख सकती है इस तरह का टेस्ट करेगा। फाइव पॉइंट सेवन आयर और 3.27 वोल्ट, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ, ओनली आयर लिख देता हूँ 5.7। तो इस तरीके सारे सेल एक एक करके रखूँगा। आप देख सकती है ये 5.5 चेक किया हूँ, ये पहले चेक किया था 5.7, तो इसमें रख देता हूँ, आप देख सकती है। तो इसको चेक करूँगा, तो मैं लिखूँगा नहीं, मैं इसे मिडिल पॉइंट में रख देता हूँ, क्योंकि 5.5, 5.6, 5.7 इस तरह का मैं रखूँगा। हेलो दोस्त, तो अभी आप देख सकती है ये 5.5 मिला है दो इंटरनल रेजिस्टेंस का, और 5.6 का मिला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5.7 मिला है 1, 2, 3, 4, 5, और 5.8 मिला 1, 2, 3। तो अभी इसको कैसे मिला के, मतलब मैचिंग करके ये परफेक्ट बैटरी बनेगी, क्योंकि आप देख सकते सब अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, आप एक काम कर सकती है, ये सेल पहले इसके यहाँ पर रखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर रखिए, बाद में ये रखिए, बाद में ये ले लो, आप देख सकते 5.58 यह तक, तो ये ले लो, आप ये कर दो इस तरह का लगा दो, इस तरह का कर दो, इस तरह का कर दो, इस तरह का कर दो, और यह पर कर दो, बाद में इस तरह इस सीरीज में ले लो, इसको यह से नहीं यह से कर दो, हो गया, ये इस तरह का होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा दो, यह से कर दो, क्योंकि आप 16 पैक में 16 से आप कहाँ से, मतलब जहाँ से आप 16 पीस ले रहे हैं, ठीक है, लेने के बाद आपको मैचिंग करना है, तो इस तरह का करने से आपको पूरा मैचिंग हो जाएगी। आप देखिएगा, आप पूरा दोनों का यार अब चेक करेगा, तो आप देखिए इसमें 5.8, 5.5 दोनों में लेकर कितना हो रहा है देखिएगा, अब सारी का मैचिंग हो गया इंटरनल सिस्टम। अभी इसको मैं आपके लिए, क्योंकि आपके दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, 1.1 लिख दो, 2.2 इस तरह का लिख दो। अभी ये इंसुलिन वाशर इसको अटैच करना पड़ेगी, अब देख सकती है 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी इसको सेल होल्डर में अटैच करना है। मेरे सामने आप देख रहे हैं सेल होल्डर सेटिंग कंप्लीट हो गया है, तो
अभी इसमें जो लीकेज टिप है इसमें स्पॉट ओइलिंग दरा ये सेटिंग होगा, आप देख सकती है। और आपने अपने हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव कर सकती है और यहाँ पर कुछ आप कर सकती है, जो कोई भी वन आप चॉइस कर सकती है, इसमें लगेगा ना इसमें पॉजिटिव करेगा आपका, आप देख सकती है। अभी मेरे पास स्पॉट ऑयलिंग है, अब ये हाई ग्रेड का है, आप जितना आपका भी कर सकती है। मैं अभी देख सकती हूँ मैं 4K में कर दिया, और करने के बाद आप देखिए इसमें यहाँ पर रख देता हूँ, अब कैसे होती है आप देख सकती है। अब देखिए अब देख सकती है कैसे वेल्डिंग हो रहा है। अभी देख सकती है आप देख सकती है पॉट वेल्डिंग हो गया, और ये रास्ट पड़ने के लिए ये टेम्परेचर और टेम्परेचर अब कंट्रोल करेगी ये देने से, तो हो गया काम। अभी BMS सेटिंग करना है, तो सेटिंग का कंप्लीट होने की आप देख सकती है ये BMS अटैच हो गया है, तो ये नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव ये कनेक्शन है, तो ये जो BMS का जो पॉजिटिव ब्लैक देख रहे हैं ये तो स्टार्टिंग होती है 1, बाद में देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये 8 सीरीज का बैटरी है इसलिए 9 स्टॉप हो गया, तो आप देख सकते हैं। अभी इसका चार्जिंग करना है और इसका बैलेंसिंग करंट बैलेंस भी देखना है, आपको बाद में दिखाता हूँ दोस्त। अभी इसको चार्ज में बैठा दिया और चार्ज हो रहा है, तो अभी देखिए 3.35 वोल्ट पूरा हो रहा है, तो इस चार्ज होने दो। आप देख सकती है अभी ये चार्ज कंप्लीट हो गया, और इसका बैलेंसिंग देखो जाए तो उसका 8 सीरीज में पूरा सीरीज में देखिएगा पूरा 3.6 वोल्ट का करंट आ गया है, वोल्ट आ गया, मतलब ये परफेक्ट बैलेंसिंग हो गया और फुल चार्ज भी हो गया। ये बैटरी तो कंप्लीट हो गया, अप्रोक्स सीट द्वारा ये देख सकती है स्ट्रॉन्ग पैकिंग हुआ है, और इसके बाद ये अप्रोक्स सीट अटैच होगा, ये हीट सिंक्स PVC हीट सिंक इसमें देना पड़ेगी, देने के बाद आप देख सकती है फाइनली ये कॉम्प्लीट हो रहा है। फाइनली ये बैटरी कंप्लीट हो गया, आप देख सकती है।